सोनभद्र के मेयरपुर में चल रहे छठ पूजा के आज तीसरे दिन गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। छठ घाट प्रांगण में झाड़ू लगाकर रामलीला स्टेज से गुरुद्वारा मोड़ तक झाड़ू लगाकर रोड पर पानी का फुहारा डाला, रोड को साफ सुथरा किया। गांव के सरपंच गौरी शंकर सिंह ने बताया कि चार दिन चलने वाले छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज शाम को व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने छठ घाट पर जाएंगी। रोड पर किसी प्रकार की गंदगी ना रहे, इसके लिए झाड़ू लगाकर पानी का फुहारा डाला जा रहा है। आज बड़ी संख्या में महिलाएं छठ घाट पर जाएंगी। वहीं जय बजरंग सेवा समिति द्वारा छठ घाट पर महिलाओं के बैठने तथा पूजा करने के लिए जोरदार इंतजाम किया गया है। रेखा देवी ने बताया कि गुड़ के बने ठेकुआ को देसी घी में पकाकर प्रसाद तैयार किया जाता है। बताया सूप पर ठेकुआ, नारियल, शरीफा, नींबू, केला, सेब, अनानास सहित 51 तरह के फल को सूप पर रख रात भर छठ घाट पर हम लोग छठी मैया से पुत्र पति परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह होते ही भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर हम लोग पूजा संपन्न करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। ये क्या कर रही हैं आप? छठ पूजा का पूजा कर रहे हैं। चार दिन से पूजा होता है, व्रत करते हैं और नहान खान करते हैं। आज तीसरा दिन है, पूजा कर रहे हैं। शाम को अर्घ देंगे और फिर कल लास्ट में आज सूरज डूबते का पूजा करें, कल डूबते उगते सूरज का पूजा करेंगे, अर्घ देंगे। छठ पूजा का बहुत मतलब विधि विधान से पूजा होता है, इसका बहुत ज्यादा महिमा है। परिवार के सुख शांति के लिए हम लोग पूजा करते हैं और सब बच्चों का और पति का सब लोग का दीर्घायु के लिए पूजा करते हैं। फल उबाल रहे हैं, हम लोग वहीं घाट पर रहते हैं, दिया जलाते रहते हैं, फिर सुबह उठते हैं, सुबह मतलब वहीं पर रहते हैं, दिया जलाते रहते हैं, फिर भोर सुबह उगते सूरज का अर्घ देते हैं, वहीं पे मतलब पूजा पाठ करते हैं। अर्घ देने के बाद फिर वहीं पर होम जाप करके फिर पारण आके घर पर करते हैं। ठेकुआ प्रसाद अच्छा से बनता है, बच्चे लोग का दीर्घायु के लिए पूजा पाठ करता है, घर में सुख शांति के लिए पूजा करता है। छठ पूजा का बहुत महत्व है, बहुत विधि विधान से होता है। गुड़ का हम लोग प्रसाद बनाते हैं, ठेकुआ का ही ज्यादा महत्व है, यही आम के लकड़ी का प्रसाद बनता है। सूप को सजाया जाता है अच्छा से, फल फूल रोट करके सब सजाते हैं, यही सब प्रसाद बनता है। छठ पूजा का बहुत महत्व होता है, बच्चों का सब परिवार का दीर्घायु के लिए पूजा करता है। रोहित शंकर सिंह, ये क्या हो रहा है? ये छठ के उपलक्ष्य में गांव के नवयुवक दल सफाई कर रहा है पूरे रोड का, ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो, और सब लोग के सहयोग से हो रहा है।